दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे आमाशय में पाचन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम कोई भी काम कर पाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि सभी लोगों का आहार एक जैसा नहीं होता है, कोई कम खाता है तो कोई ज्यादा खाता है। आखिर एक सामान्य औसतन मनुष्य को रोज कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? भोजन का मुख्य घटक जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, वहीं 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें लगभग 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक आदमी को एक दिन में कितनी एनर्जी चाहिए ये कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे आदमी का एज, बड़े होते बच्चे और टीनएजर्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लाइफ स्टाइल जैसे आप कितने एक्टिव रहते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। आकार, आपका आकार और वजन भी प्रभावित करती है कि किस दर से आप में एनर्जी खर्च होगा। अन्य कारक है जो आदमी में एनर्जी खर्च होने के दर को प्रभावित करता है, जैसे कुछ हार्मोन में है थायराइड हार्मोन, कुछ मेडिसिन। एक औसत 77 किलोग्राम वजन वाले आदमी जो हार्डवर्क नहीं करता हो उसे पर डे लगभग 2300 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और औरत के लिए ये 1900 किलो कैलोरी है। अब हम जानते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम फैट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है और एक सामान्य औसतन आदमी में रोज कितना ऊर्जा का खपत होता है। एक आदमी जिसे रोज 2300 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर वो इससे ज्यादा एनर्जी ग्रहण करता है, जब हम ज्यादा भोजन करते हैं या एनर्जी ग्रहण करते हैं तब ये हमारे खून में शुगर के रूप में मौजूद रहता है। हमारे खून में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज या शुगर को इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, जो हमारे लीवर और मांसपेशियों में जमा होता जाता है और एडिपोज टिश्यू में फैट के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम चर्बी कहते हैं, जिसका हमारा शरीर भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकता होने पर एनर्जी के रूप में उपयोग करता है।